तो ये देखिए हमारा भुट्टे दाने का फ्राइड रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स, बिल्कुल करारे। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भुट्टा दाना फ्राइड रेसिपी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस प्रकार की रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने भुट्टे की 3 बाली लिए हैं, ये अपने खेतों से हमने लाया है। तो उसके सारे छिलके निकाल के हम उसके दाने को निकालेंगे। ये देखिए एक छोटे कटोरे में हमने इसे निकाला है, ये वेट में लगभग 200 से 250 ग्राम के आसपास है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे और ये चावल का आटा। अब चावल के आटे की जगह पर कॉर्नफ्लोर या मैदा भी डाल सकते हैं। इसे डालने का मेन पर्पज़ ये है कि ये जो है क्रिस्पी बने, तो इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ी सी पानी डाल देंगे, क्योंकि पानी डालने के बाद ये अच्छे से कोट हो जाएगा क्योंकि ये सूखा है। तो आप चाहे तो आपके भुट्टे के दाने थोड़े कड़े हों तो उसे बॉयल करके इस प्रकार से करें। तो यहाँ पे भुट्टे के दाने मेरे बहुत ही ज़्यादा मुलायम हैं, तो हमने इसी प्रकार से बगैर बॉयल किए हुए इसे फ्राई करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे फ्रेंड्स। उसके लिए हमने एक कढ़ाई लिया है और उसमें हम तेल डालेंगे। तेल हमने लगभग 150 से 200 ग्राम के आसपास हमने डाला है और बारी बारी से इस प्रकार से सारे कोट किए हुए दाने को हम इस प्रकार से डालेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तेल के छींटे यहाँ पर कभी कभी ज़्यादा पड़ते हैं, तो आप यहाँ पर डालने के बाद तुरंत ढक्कन डाल दें या तो फिर थोड़ी सी दूरी बना लें, क्योंकि इसके छींटे बहुत ही ज़्यादा कभी कभी पड़ते हैं उड़ के। तो ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है, हम इसी तरह से लगातार इसे बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए कलर इसका हल्का गोल्डन ब्राउन हुआ है। थोड़ी सी और हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए थोड़ी देर और हम इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से कुरकुरी बन सके और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हमें इसे बनाना है। तो ये देखिए फाइनली हमारा ये बनके तैयार है। देखने से आपको लग रहा होगा ना कि कितना क्रिस्पी है ये। तो आप भी इस तरीके से बनाएं। तो इसको हमने 2 से 3 बैच में इसे फ्राई किया है। आप थोड़े थोड़े डाल के इसे फ्राई करें ताकि अच्छे से ये फ्राई हो सके। और इस प्रकार की रेसिपी फ्रेंड्स आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें एक बार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही चटपटी होती है। तो इसे भी हमने इस प्रकार से निकाला है। तो टोटल को हमने एक बॉल में निकाला है फ्रेंड्स, बड़े बॉल में। तो ये कितनी क्रिस्पी है आपको देखने से अंदाज़ा लग गया होगा। तो अब हम इसकी मसाले बनाने के लिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में फ्रेंड्स। उसके लिए हमने काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ी सी चाट मसाला, और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। भुट्टा को फ्रेंड्स कॉर्न बोलते हैं। कॉर्न क्रिस्पी रेसिपी हमने आज बनाया है। तो ये देखिए मसाले, सारे मसाले को हमने मिलाने के बाद हम इस प्रकार से इसमें डालेंगे। और उसके बाद डालने के बाद हम थोड़ी सी टॉस कर लेंगे इसे। तो ये देखिए, तो अब हम इसे सर्व के लिए प्लेट पर निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितनी खिली खिली हमारी भुट्टे की दाने की रेसिपी बनी है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पे इस रेसिपी को ट्राई एक बार ज़रूर करें फ्रेंड्स, और हमें बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखने में लग रही है ना बिल्कुल टेस्टी फ्रेंड्स। तो आप भी इस प्रकार की रेसिपी अपने घर पर तैयार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।